आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आजाद सिपाही एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह, आपके समक्ष झारखंड के 24 जिलों की खबर के साथ। फटाफट सुनिए। आजाद सिपाही राजधानी एक्सप्रेस सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा रेस, 15 से 17 जुलाई तक सभी जिलों में कार्यशाला। दूसरी खबर, सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी की बस में आग लगने से अफरा तफरी, बाल बाल बचे बच्चे। तीसरी खबर, रांची जमशेदपुर फोरलेन पर हाईकोर्ट ने NHAI को लगाई फटकार, कहा एक महीने में काम आगे नहीं बढ़ा, मॉनिटरिंग के लिए NHAI जवाबदेह अधिकारी रखें। आजाद सिपाही खूंटी एक्सप्रेस, DDC ने की योजनाओं की समीक्षा। खूंटी विकास भवन के सभागार में DDC सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अंजलि यादव की अध्यक्षता में स्थायी समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा वन एवं पर्यावरण समिति और महिला शिशु एवं सामाजिक कल्याण समिति की योजनाओं की समीक्षा की गई। दूसरी खबर, कलाकारों ने बताया कैसे करें जल संरक्षण। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया। तीसरी खबर, मछुआरों को सोख्ता बनाने के लिए किया प्रेरित। खूंटी मत्स्य कार्यालय में मछुआरा दिवस के अवसर पर मत्स्य कृषक गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें मत्स्य पालक, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य विक्रेता आदि ने भाग लिया। आजाद सिपाही लोहरदगा एक्सप्रेस, सांसद समीर उरांव ने राज्यसभा में उठाई ट्रांसपोर्टरों और मजदूरों की आवाज, कहा जल्द खुले बॉक्साइट फैक्ट्री और खदाने, हजारों लोग हो गए हैं बेरोजगार। दूसरी खबर, विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण में लोक भागीदारी जरूरी है। आजाद सिपाही सिमडेगा एक्सप्रेस, सिमडेगा में 2 मरीजों में एंथ्रेक्स की पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर अध्ययन शरण ने बताया कि मणिपाल यूनिवर्सिटी द्वारा जांच हेतु भेजे गए रक्त सैंपल के रिपोर्ट में दोनों मरीज में एंथ्रेक्स रोग की पुष्टि हो गई है। दूसरी खबर, अफवाह फैलाने वाले लोगों पर रखे पैनी निगाह। सिमडेगा SP संजीव कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों को अफवाहों को लेकर सचेत रहने की सलाह दी, कहा कि वे सोशल मीडिया पर भी नजर रखें। तीसरी खबर, सिमडेगा DC ने किसानों को उपलब्ध कराए धान उड़द के बीज। समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त विप्रा भाल ने कृषि पशुपालन भूमि संरक्षण गव्य आदि विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। आजाद सिपाही पश्चिमी सिंहभूम एक्सप्रेस, बडबिल में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला, मौत। बडबिल इलाके में तेज रफ्तार एक ट्रक ने महिला को कुचल दिया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने शव के साथ सड़क जाम किया। दूसरी खबर, 2 बसों में लगी थी आगे निकलने की होड़, हुई दुर्घटना। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में 2 बसों में आगे निकलने की होड़ में एक तीसरा वाहन बीच में आ गया और उसके परखच्चे उड़ गए। वाहन का चालक जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। तीसरी खबर, वीर सिंह हाथू गांव से बरामद महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर भेजा गया। नक्सल प्रभावित टोंटो थाना से करीब 25 किलोमीटर दूर वीर सिंह हाथू गांव के झिकी लता टोला में एक खेत से महिला का नग्न अवस्था में अधजला शव मिला था। पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। आजाद सिपाही जमशेदपुर एक्सप्रेस, पुलिस की ढिलाई से बुलंद हुए बदमाशों के हौसले, फायरिंग कर दिया खुला चैलेंज। MGM अस्पताल के डॉक्टर पर फायरिंग मामले में यह बात सामने आई है कि पुलिस की ढिलाई से बदमाशों के हौसले बढ़े और उसने फायरिंग कर खुला चैलेंज दे दिया। इससे पहले बदमाशों ने डॉक्टर से 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। दूसरी खबर, रेलवे यूनियन चुनाव की उल्टी गिनती शुरू, मान्यता बचाने को होगी कांटे की लड़ाई। तीसरी खबर, PF कार्यालय के शौचालय में कर्मचारी की लाश मिलने के 9 दिन बाद हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस बयान का इंतजार कर रही थी, पहले मामले को आत्महत्या बताया जा रहा था। आजाद सिपाही सरायकेला खरसावा एक्सप्रेस, मौसी घर से शुक्रवार को लौटेंगे महाप्रभु जगन्नाथ। सरायकेला में शुक्रवार को बावड़ा रथ यात्रा होगी, प्रभु जगन्नाथ मंदिर के लिए लौटेंगे, मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी। दूसरी खबर, किसानों ने शुरू की धान रोपनी। सरायकेला जिला में किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद किसानों ने धान का बिछड़ा लगाना शुरू कर दिया है। तीसरी खबर, रैतों ने बुरुडी में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कार्य को रुकवा दिया, किसान पहले मुआवजे के भुगतान की मांग कर रहे हैं। आजाद सिपाही लातेहार एक्सप्रेस, टाना भगत विकास प्राधिकार की बैठक। DC ने कहा सभी को मिले योजनाओं का लाभ, अधिकारी करें सुनिश्चित,
दूसरी खबर मनिका से नरबलि की सनसनीखेज मामला, एक बालक और एक बालिका की दी गई नरबलि। तीसरी खबर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की छत का टूटा प्लास्टर, बाल बाल बचे चिकित्सक और कर्मी। आजाद सिपाही पलामू एक्सप्रेस रामगढ़ प्रखंड के उप प्रमुख महावीर प्रसाद के घर में JJMP के उग्रवादियों ने किया हमला। उग्रवादियों ने उप प्रमुख की पत्नी और बेटी की जमकर पिटाई की। उप प्रमुख ने भागकर बचाई जान। SP ने कहा पूरे परिवार को देंगे पूरी सुरक्षा। दूसरी खबर पलामू के डॉन सुजीत सिन्हा को ADJ पंकज कुमार की कोर्ट ने 2007 में भूषण सिंह और सुनील सिंह के हत्या के मामले में सुजीत और सहयोगी गौतम कुमार सिंह को सुनाई उम्र कैद की सजा। तीसरी खबर नीति आयोग के नोडल पदाधिकारी IPS SN प्रधान ने समाहरणालय के सभागार में विभिन्न प्रक्षेत्र के सांकेतक के साथ की समीक्षा बैठक। आजाद सिपाही गढ़वा एक्सप्रेस बिजली की लचर व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने गुरुवार को परिसदन भवन में विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य अधूरे रहने पर नाराजगी जताई, संवेदकों से 2 महीने के अंदर अधूरे कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। दूसरी खबर जिला परिवहन पदाधिकारी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं स्कूली बसों के परिचालन से संबंधित बैठक आयोजित की, जिसमें सभी विद्यालय संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में बसों में क्षमता से अधिक बच्चे न बैठाएं। तीसरी खबर गढ़वा जिले के बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय में आदर्श विवाह समिति के तत्वाधान में शादी समारोह आयोजन कर 2 अनाथ कन्याओं की शादी कराई गई। शादी समारोह के कई लोग गवाह बने, जिसमें पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी भी शामिल हुए। आजाद सिपाही गुमला एक्सप्रेस गुमला के घाघरा प्रखंड में विषाक्त मांस खाने से 2 की मौत, 3 लोग बीमार, स्थिति गंभीर। दूसरी खबर सिसई प्रखंड में विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा का किया गया आयोजन। तीसरी खबर चलंत LED वाहन द्वारा बच्चों को दी गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। चौथी खबर भरनों में भूतिया परिवार का चोर पकड़ाया, एक महिला के बैग में ब्लेड मारकर निकाल लिया पर्स व मोबाइल, पकड़े जाने पर अपने साथी को दे दिया सामान, साथी सामान लेकर हुआ फरार। आजाद सिपाही रामगढ़ एक्सप्रेस मॉब लिंचिंग को लेकर भुरकुंडा रजरप्पा पतरातू थाने में बैठक, जागरूकता फैलाने का दिया गया निर्देश। दूसरी खबर गिद्दी हनुमान चौक में विद्युत आपूर्ति ठप होने से स्थानीय लोगों ने सब स्टेशन का किया घेराव। आजाद सिपाही हजारीबाग एक्सप्रेस बरही विधायक मनोज यादव ने चौपारण में पौधरोपण कार्यक्रम में उपस्थित आजसू नेता राम अनुज कुमार के साथ दुर्व्यवहार किया। विधायक को उग्र होते देख उसके बॉडीगार्ड और मुखिया ने राम अनुज के साथ धक्का मुक्की की। दूसरी खबर गैस वितरण समारोह में वृद्ध महिला ने दम तोड़ी, वृद्ध महिला भूखे प्यासे 10 बजे दिन में ही गैस लेने समारोह में आई थी। कार्यक्रम की शुरुआत 2 बजे से हुई, गैस कनेक्शन मिलते ही महिला धनोया देवी ने दम तोड़ दिया। आजाद सिपाही चतरा एक्सप्रेस सदर अस्पताल के चिकित्सक की रंगदारी, मरीज के अटेंडेंट का फोन बजा तो मरीज का इलाज करने से किया इनकार, मरीज के परिजनों ने उपायुक्त से लगाई गुहार। दूसरी खबर शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक में नाराज उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने BDO व अन्य कर्मियों की वेतन निकासी पर लगाया रोक। आजाद सिपाही कोडरमा एक्सप्रेस 2 बाइक आपस में भिड़े, 2 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। अवैध संचालित हो रहा पत्थर खदान, ग्रामीणों ने आवेदन देकर खदान बंद करने की मांग की। आजाद सिपाही धनबाद एक्सप्रेस नीरज हत्याकांड में गवाही टली, झरिया विधायक संजीव सिंह ने कहा कि मुझे एक साजिश के तहत नीरज हत्याकांड में फंसाया गया, गवाही के दौरान जेल से कोर्ट लाए गए थे विधायक। आजाद सिपाही गिरिडीह एक्सप्रेस पत्थर गिरने से खदान में काम कर रहे ड्रिल ऑपरेटर की मौत, 32 वर्षीय अंगेश्वर दास की मौत के अलावा एक अन्य ऑपरेटर जीतन रचक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए धनबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, घटना राज धनबाद प्रखंड की है। दूसरी खबर दशरथ मांझी की तरह इन्होंने 5 किलोमीटर पहाड़ काट कर बना दिया रास्ता, दशरथ मांझी की तरह बुजुर्ग हो चुके डोमन मियां और इस्लाम मियां ने मड़वा पहाड़ी को काट कर 5 किलोमीटर का नया रास्ता बनाया है, पूरे गिरिडीह में इसकी चर्चा हो रही है। आजाद सिपाही साहिबगंज एक्सप्रेस 15 महीने में ही उखड़ने लगी है सड़क, प्रखंड के 2 स्थलों पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़क निर्माण के लगभग 1.25 साल बाद ही दम तोड़ने लगी है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत खैर बन्नी से दरला घाट तक सड़क की हालत खस्ता है। दूसरी खबर, झरना किनारे के भू माफियाओं पर कसेगा शिकंजा। साहिबगंज के राजमहल की पहाड़ियों के बीच से निकलने वाले भू माफिया पर शिकंजा कसेगा। पूर्व में अवैध कब्जा को लेकर कार्रवाई के लिए उपायुक्त के आदेश पर एसडीओ ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस दिया था। तीसरी खबर, एसपी का निर्देश, आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर तुरंत करे कार्रवाई। अपराध गोष्ठी में मॉब लिंचिंग, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना, लंबित वारंट, पुलिस पब्लिक मीटिंग को लेकर चर्चा की गई। आजाद सिपाही दुमका एक्सप्रेस। शिकारीपाड़ा प्रखंड के सरस डंगाल पंचायत भवन में मुखिया हिंदू मरांडी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जमरू पानी शहरपुर कोल ब्लॉक के लिए जमीन नहीं देने को लेकर बैठक हुई। दूसरी खबर, पंचायतों में कैंप लगाकर होगा राजस्व संबंधी कार्यों का निपटारा। आजाद सिपाही देवघर एक्सप्रेस। कोठिया मोड़ पर पहली बार बस रहा टेंट सिटी और बस पड़ाव। राजीव कोठिया मोड़, इस बार कांवरियों की सुविधाओं के लिए श्रावणी मेले के दौरान टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही यही बगल में अस्थायी बस पड़ाव भी बनाया जा रहा है। दूसरी खबर, श्रावणी मेले में प्रतिदिन हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। अधिकारी प्रतिदिन सुविधाओं का मुआयना कर रहे हैं। आजाद सिपाही गुड्डा एक्सप्रेस। पत्थरगामा के अंचल सभा कक्ष में अंचल अधिकारी राजू कमल की अध्यक्षता में ग्राम प्रधानों की बैठक हुई। इसमें सभी को अपने गाँव और पंचायत की भूमि सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। दूसरी खबर, प्रखंड मुख्यालय स्थित संत फ्रांसिस उच्च विद्यालय मैदान में गुरुवार को सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें संत फ्रांसिस स्कूल चैंपियन बना। आजाद सिपाही जामताड़ा एक्सप्रेस। 3 साइबर अपराधी धराए, सभी नॉन मैट्रिक, ठगी से कमाए लाखों रुपए। साइबर अपराध के लिए पूरे देश में चर्चित जामताड़ा एक बार फिर सुर्खियों में। दूसरी खबर, मोबाइल दुकान में आग लगी, लाखों का नुकसान। तीसरी खबर, टैंकर से कुचलकर व्यक्ति की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे में मिर्गा गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आजाद सिपाही पाकुड़ एक्सप्रेस। प्राचार्य के खिलाफ नवोदय के छात्रों का प्रदर्शन। महेशपुर प्रखंड के सिलमपुर जवाहर नवोदय विद्यालय के नवम के दर्जनों छात्रों ने स्कूल में प्राचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्र सुविधाओं की कमी के कारण नाराज थे। दूसरी खबर, कार्यालय कक्ष में पाकुड़ के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला खनन विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नीलम पत्र से संबंधित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। तीसरी खबर, पाकुड़िया प्रखंड सभागार में वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में जल सहिया बहनों के साथ वन संरक्षण पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में सभी सहियाओं को पोषक क्षेत्र में 500 पौधे लगाने का दिया गया लक्ष्य। आज के आजाद सिपाही एक्सप्रेस में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।